जो काफ़ी समय से एक्टिंग छोड़ चुकी हैं, अब मिसेस फनी बोन्स के नाम से भी जानी जाती हैं। और भले ही वो सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं बनी, पर सक्सेसफुल राइटर जरूर बनी। 29 दिसंबर को ट्विंकल ने बनाया अपना 43rd बर्थडे। कभी ट्वीट के कारण तो कभी बुक्स के कारण ट्विंकल खन्ना सुर्खियों में ही रहती हैं। ट्विंकल ने रिसेंटली अपने कॉलम में सलमान खान के बारे में लिखा, पर उन्हें इस बात के लिए ट्विटर पर ट्रोल किया गया। लेकिन ट्विंकल तो ट्विंकल है, हमने देख ही लिया कि उन्हें इन सब चीजों से निपटना अच्छे से आता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बी टाउन की बेहतरीन माँ और पत्नियों में से एक वो गिनी जाती है। ट्विंकल ने शुरुआत भले ही फिल्मों से की हो, लेकिन वो जल्द ही समझ गई कि वो एक्टिंग के लिए नहीं बनी है। लगातार फ्लॉप्स के बाद उन्होंने सोच लिया कि अगर फिल्म मेला हिट हुई तो ठीक है, वरना वो ये इंडस्ट्री छोड़ देंगी। और मेला हुई फ्लॉप। अगले ही साल ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी कर ली और इस इंडस्ट्री को कह दिया टाटा बाय बाय। पर जैसे ही वो अकी की लाइफ में आई, अकी की कई सारी फिल्में लगातार हिट हुई। मानी जाती हैं उनकी लकी मैस्कॉट। वैसे भी दोनों ही साथ में लगते हैं काफी क्यूट, और साथ ही में मना रहे हैं ट्विंकल का 43rd बर्थडे। दे आर मेड फॉर ईच अदर। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।